टीम इंडिया को उसी के घर में 5-0 से हराएगा इंग्लैंड। कप्तान का बड़ा बयान। बेन स्टोक्स ने एशिया सीरीज खत्म होते ही टीम इंडिया को दे दी बड़ी चुनौती। एशिया सीरीज खत्म होते ही घमंड में चूर हुए इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने जब से इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी संभाली है, इस टीम का मानो काया पलट ही हो गया है। ये टीम बेखौफ और ताबड़तोड़ क्रिकेट खेल रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। एशिया सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने कमाल की वापसी करते हुए 2 मैच जीत डाले। मैनचेस्टर में भी ये टीम जीत जाती, लेकिन बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया। खैर, एशियाज अब खत्म हो चुकी है और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया को इशारों ही इशारों में चेतावनी दे डाली है। बेन स्टोक्स ने कहा है कि वो भारत दौरे पर भी बेखौफ क्रिकेट खेलने वाले हैं। इशारों इशारों में तो उन्होंने टीम इंडिया को उसके घर पर 5-0 से हराने की बात कह डाली है। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल बेन स्टोक्स ने क्या कहा। स्टोक्स ने एशिया सीरीज खत्म होने के बाद कहा, जब हमने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया तो कहा गया कि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। फिर कहा गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम बेसबॉल नहीं खेल पाएंगे, तो कौन जानता है कि हम भारत के खिलाफ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो समय ही बताएगा। स्टोक्स का यह बयान साफ तौर पर इशारा करता है कि वह भारत में आकर बेसबॉल क्रिकेट ही खेलेंगे और उनका मकसद सीरीज का हर मैच जीतना होगा। आपको बता दें, इंग्लैंड को अगले साल जनवरी में भारत दौरे पर आना है। इंग्लैंड और भारत के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है। इंग्लैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज में उसकी सरजमी पर आखिरी बार 2012 में हराया था। पिछली 2 टेस्ट सीरीज में उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन बेन स्टोक्स अब भारत में जीतने का सपना देख रहे हैं। वैसे स्टोक्स की कप्तानी का रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक करता है कि वो टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड का रिकॉर्ड कमाल है। आइए एक नजर डालते हैं बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड का कमाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड को 3-0 से जीत मिली, उसके बाद साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया, फिर पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा, न्यूजीलैंड से सीरीज 1-1 से ड्रॉ हुई और आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-2 से मैच को ड्रॉ करा दिया। साफ है, स्टोक्स की कप्तानी में अब तक इंग्लैंड एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा। यही वजह है कि इंग्लिश कप्तान हिंदुस्तान को उसी के घर में हराने का सपना देख रहा है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।